बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने 14 मार्च को अपना 59वां जन्मदिन मनाया। इस खास मौके पर उन्होंने मीडिया और अपनी हालिया रिलीज फिल्म लापता लेडीज की टीम के साथ जन्मदिन मनाया। वीडियो में आमिर खान ब्लैक टी शर्ट और ब्लू डेनिम पहने हुए नजर आ रहे हैं। वे मीडिया और फिल्म की टीम के साथ केक काटते हुए और बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आमिर खान ने मीडिया को धन्यवाद दिया और कहा कि वह लापता लेडीज को लेकर बहुत उत्साहित है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही खास फिल्म है और खुश हैं कि अभी भी दर्शक इसे देख रहे हैं। आमिर खान ने मुंबई के सांता क्रूज स्थित अपने ऑफिस के बाहर आकर मीडिया के साथ केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। इस दौरान उनकी एक्स वाइफ किरण राव भी उनके साथ मौजूद रही। वीडियो में देखा जा सकता है कि उनके ऑफिस के बाहर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ है जिसे आमिर अपने हाथों से काटते हैं। इस दौरान उनके साथ फिल्म लापता लेडीज की स्टार कास्ट भी नजर आ रही है। बता दें हाल ही में किरण राव निर्देशित फिल्म लापता लेडीज सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं अपने जन्मदिन के जश्न के दौरान आमिर और किरण ने फैंस को फिल्म के लिए सभी का शुक्रिया अदा किया। दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में आमिर को उनके जन्मदिन की बधाई जरूर दें। साथ ही ऐसे और भी वीडियोस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।